हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले आप, ठीक है, चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए उसे पहले कर लीजिए, तो आपको लेसन के अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ इक्वेशन, ठीक है। सो 3 + 2 आंसर विल बी, क्या आएगा यहाँ पे, हम क्या लिखते हैं, इक्वल, तो यहाँ पे आ गया 5, 3 + 2 = 5। सो देखिए ये किस तरह का इक्वालिटी है, राइट। तो इस तरह के इक्वालिटी को यहाँ पे जहाँ पे इक्वल साइन यूज हो गया उसे हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इक्वेशन। तो इक्वल साइन क्या करता है, सेपरेट करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड को। ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो राइट साइड की वैल्यू से इक्वल होगी, सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। समटाइम आपने ऐसा भी देखा होगा, क्वेश्चन बॉक्स होगा यहाँ पे सम नंबर्स और यहाँ पे भी कुछ होगा, तो यहाँ पे हमें बॉक्स में फिल करना होगा। सो हियर इट इज इजी टू फिल, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है 4 आएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज, और यहाँ पे ऐसे दिया माइनस लाइक दिस, तो आप यहाँ पे क्या नंबर आएगा, क्या होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें इसको प्लस करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, -61 आना चाहिए, तो उस समय हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे लाइक दिस, कैसे इसमें इजी था। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट दिस आंसर इज एक्स, लेट दिस वैल्यू इज एक्स। तो जैसे अभी यहाँ पे एक्स हमने सपोज कर लिया, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स इक्वल्स टू आपने सॉल्व किया होगा -61, ये यहाँ पे आके क्या जाएगा -391, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ये 2 9 और 6 15, ये हो जाएगा 4 452 -452, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -452। -452 में ये +391 करेंगे, माइनस प्लस माइनस होके आपको आएगा -61। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा x +391 = -61, इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका इक्वेशन है, बिकॉज सी यहाँ पे इक्वल्स टू साइन आ गया है, तो ये इक्वेशन बन गया, ओके। बट इसमें क्या है, इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल भी इंडिकेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो x हमने यूज किया, ये अल्फाबेट लेटर से A से लेके Z तक कोई भी लेटर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपने पॉलीनोमियल में लेसन में देखा होगा। तो वेरिएबल मतलब क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे x +3 = 10, अभी यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, 10 - 3 = 7, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही थी, -452, तो क्या हो रहा है, इक्वेशन टू इक्वेशन इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वेरिएबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इस वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, पावर इज 1। सो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो आपने सुना होगा नाम, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्या हो गया यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के, जिसमें क्या होगा, आपका एक वेरिएबल होगा और उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे y +3 = 7, तो y = क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 7 - 3, y = क्या आ गया, 4। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया इजी, यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या था, वाई, इसका पावर क्या था, हाईएस्ट इंडेक्स पावर 1, सो इट इज, जब हाईएस्ट इंडेक्स पावर 1 रहे तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो और कुछ एग्जांपल ले लेते, चलिए y/3 = 6, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y को 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, y × 1 y 3 × 6 3 6 का कितना हो जाएगा, 18, ओके। नेक्स्ट सपोज ऐसे दिया आपको 2y = 18, ठीक है, 2 × y = 18, तो y कोस टू, यहाँ पे देखिए y के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो y कोस टू क्या हो जाएगा, 18, ये जाके वहाँ पे डिवाइड करेगा, 2 9 = 18। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। सपोज यू गॉट द इक्वेशन लाइक दिस, अगर आपको मिला यहाँ पे x + y = 10, ये भी तो एक इक्वेशन है, देखिए इक्वल टू साइन है, तो मतलब इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल है, बट लीनियर इक्वेशन हो गया, वेरिएबल के पावर क्या है, आपके देखिए 1 है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन।
क्या बन गया ये लीनियर इक्वेशन। बट अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट वेरिएबल है राइट, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स होंगे तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स टू हो गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर करता हूँ, सम टाइम विल गेट द क्वेश्चन लाइक दिस 3x + 5 = 2x। तो यहाँ पे देखिए दो जगह पे x आया हुआ है, एक यहाँ पे 3x है 3 के साथ है और यहाँ पे 2 के साथ x है, तो ये दो वेरिएबल नहीं है, दो जगह लिखा हुआ है बट इट इज नॉट टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, बिकॉज एक्स एक्स एंड द पावर इज वन, दे आर लाइक टर्म्स, इसे हम वन वेरिएबल ही बोलेंगे। टू वेरिएबल्स कब होगा, जब दो डिफरेंट अल्फाबेट लेटर्स होंगे देन इट इज टू वेरिएबल्स, लाइक इन दिस केस। अब ये केस में देखिए आपको दो अलग अलग अल्फाबेट लेटर्स यूज हुए, दैट इज एक्स एंड वाई। फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है m + n = 7, कोई भी लेटर ले सकते हैं राइट, a + b = -5। अब देखिए यहाँ पे टू अलग अलग वेरिएबल्स है, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अपना जो लेसन है इसलिए यहाँ पे इसे बोला गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, बट इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल साथ में है ठीक है, और इसमें कैसा था सिंगल वेरिएबल था, नंबर नंबर के साथ माइनस किया प्लस किया डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द आंसर, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू नहीं मिली, तो हम लोग क्या करेंगे वाई को अगर यहाँ भी भेजेंगे तो x = 10 - y, बट एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की नहीं पता चल रही बिकॉज वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है ठीक है। जब तक वाई की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम 10 में उसको माइनस नहीं कर पाएंगे और एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। सेम वे इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई तो 10 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, एज पर दिस रूल इक्वेशन को सॉल्व किए तो y हो गया 10 - x, बट x की वैल्यू नहीं पता है तो 10 में से क्या माइनस करेंगे और फिर इस तरह y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको दो ये x प्लस वाई दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है ठीक है, तो इसे सॉल्व अगर मुझे करना होगा तो मुझे ऐसे एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें सेम दो वेरिएबल हो, लाइक ऐसे 2x - y = 8 सपोज, ये हो गया आपका गिवन इक्वेशन, उसके साथ साथ एक दूसरा और इक्वेशन होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन को साथ में लेके मुझे सॉल्व करना है ठीक है, ये आप ये लेसन में हम यही सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप कभी भी ध्यान दीजिए अगर दो टू वेरिएबल्स है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको टू इक्वेशन होना चाहिए, दो इक्वेशन साथ में होना चाहिए। अगर वन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आंसर मिल जाएगा, बट अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। ऐसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे 11th 12th में तो आपको थ्री वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे x + y + z = 10 सपोज, 2x + y - z = 6। अब यहाँ पे देखिए थ्री वेरिएबल्स है बट यहाँ पे दो ही क्वेश्चन है, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर और एक क्वेश्चन चाहिए 3x + 2y + 3z = 12। थ्री वेरिएबल है मतलब थ्री क्वेश्चन सबको चाहिए सॉल्व करने के लिए ठीक है, तो ये अभी हम लोग लर्न करने वाले नहीं है ठीक है, और वन वेरिएबल ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या सीखना है, इसे सीखना है टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये मेन टॉपिक है आपका। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो स्टैंडर्ड 10 का जो फर्स्ट लेसन है सेम है ठीक है, तो आपको वो ईजी हो जाएगा। तो इसमें चलिए हमें फिलहाल जो अभी 9th में दिया हुआ है यहाँ पे हमें दो मेथड बोला गया है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग दो मेथड 9 में दिया हुआ है और दो अलग मेथड आपको 10th में मिलेगा, सो टोटल वी आर हैविंग 4 मेथड्स, सो वी कैन से हियर मेथड्स। चलिए हम मेथड देखते हैं, फर्स्ट हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, आप याद रख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है, फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको 9th में दिया हुआ है ठीक है, ये हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा आपको ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और फोर्थ वन हो जाएगा आपका क्रेमर्स रूल, इसे हम बोलेंगे क्रेमर्स रूल, जो हम स्टैंडर्ड ये दोनों मेथड हम स्टैंडर्ड 10th में सीखेंगे ठीक है। तो अब ये दो मेथड के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ बोलूंगा कि हम स्टैंडर्ड 10 में देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस टू मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा पहले ये देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट विल सी एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड है आपका कौन सा यूज करें हम लोग, फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करना होगा, देखिए सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। जैसे मैंने बोला कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। दो इक्वेशन को अगर साथ में ले लिए तो इसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दोनों को साथ में लेके सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अभी इसे सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक वेरिएबल चाहिए एक्स या वाई को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए, सेम पेयर भी बोल सकते हैं, मतलब एक्स एक्स क्या हो गया, सेम लाइक टर्म्स, वाई वाई हो गया। बट इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सॉल्व करके देखता हूँ। चलिए अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है इसे हम सॉल्व करने के लिए, या तो ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। क्या याद रखना आपको, एडिंग और सबट्रैक्टिंग मेथड से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए, पहला होना चाहिए ऐड और सबट्रैक्ट, ठीक है। हम सॉल्व करना है ऐड और सबट्रैक्ट से। चलिए अगर मैं यहाँ पे अभी कैसे पता चलेगा कि मैं ऐड करना और सबट्रैक्ट करना है, ओके अगर मैं इसे ऐड करूंगा एज इट इज जो दिया, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी और ये देखिए एक्स और एक्स दोनों प्लस है, तो ये 2x हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम ऐड करें बट जो साइन है वो ऐसे ही रहेगी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया और क्या बचा, 10 और 20 कितना हो गया 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30/2, ये हो गया आपका 15, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 15, ये देखिए तो x की वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ पे रख दीजिए इसमें या इसमें, चलिए रख के देखते, यहाँ पे रख के देखिए 15 प्लस ये y इक्वल्स टू 10, देयरफॉर y इक्वल्स टू, अभी देखिए ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। y एक वेरिएबल दिख रहा है 10, ये यहाँ पे आ जाएगा -15, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -5, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, राइट। x और y की वैल्यू मिल गई, आंसर चेक करना है तो x की वैल्यू 15 प्लस y की वैल्यू -5, देखिए 15 -5 कितना आ जाएगा 10, हमने आंसर को चेक भी कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ अभी डाउट क्या था, यहाँ पे कैसे पता चलेगा ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमें अभी इसे ध्यान रखने के लिए ऐड और सबट्रैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा हम जब सबट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, एक एग्जांपल सबट्रैक्ट का भी लेता हूँ तब वो क्लियर हो जाएगा। एक्स 2x प्लस y इक्वल्स टू 10 सपोज, ठीक है, और यहाँ पे 2x x लेते चलिए, ठीक है, x प्लस y इक्वल्स टू 20, ओके अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसे ऐड करेंगे, सपोज मैं इसे ऐड कर रहा हूँ तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और y कितने y है 2y, तो प्लस 2y और यहाँ पे कितना हो गया 30, फिर से देखिए नया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे हमने ऐड किया इस क्वेश्चन के जैसा, बट यहाँ पे ऐड करके हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो ऐड में करते समय क्या देखा आपने, ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि 1 प्लस था और अदर वाला क्या था माइनस, वेरिएबल सेम होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे वो भी सेम होने चाहिए, बट अपोजिट साइन होगा, जब अपोजिट साइन होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे ऐड में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐड में कैंसिल नहीं रहा बिकॉज दोनों सेम साइन है, देखिए ये भी दोनों प्लस है और ये भी दोनों प्लस है, तो कैंसिल नहीं हो रहा। अगर ये दोनों माइनस भी होता तो यहाँ पे आता देखिए माइनस टू वाई, फिर भी ये कैंसिल नहीं हुआ, मतलब हमारे पास इक्वेशन एक वेरिएबल को डिलीट करना था, एलिमिनेट करना था, वो हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, देखिए साइन चेंज होता है, आपने देखा होगा, अगर ये देखिए हम इसे वर्टिकली माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करते तो कैसा होता है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ऐसे करते देखिए 2x माइनस वाई
मैं से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कैसे लिखते x माइनस वाई और यहाँ पे क्या डालते माइनस साइन, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, तो ऐसे लिखते टेन माइनस ट्वेंटी। ऐसा आपने किया होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में माइनस करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वे से हम माइनस कर रहे और एक वर्टिकल वे से, तो पहले हॉरिजॉन्टल से समझते हैं। देखिए ये टू एक्स माइनस वाई ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वाई, ये हो जाएगा टेन माइनस ट्वेंटी माइनस टेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, ओके, और हो जाएगा माइनस टेन। देखिए केस में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टेन। तो अब यहाँ पे वर्टिकल में समझते हैं कि माइनस होता कैसे। ठीक है, जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, मतलब क्या करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा साइन चेंज होगा। देखिए ये किसका चेंज होगा, कौन से इक्वेशन का चेंज होगा, ये नीचे वाले इक्वेशन का, जो हम 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस है, देखिए ये प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये देखिए माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस ट्वेंटी है तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी। ठीक है, ये क्यों हो गया आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि 2x माइनस वाई में इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में लिखा हुआ, देखिए 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो क्या होता है, देखिए ये प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स आया, आई ये माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई हो गया, तो ये देखिए माइनस नहीं अभी ये प्लस हो गया, मतलब इसे आपको नहीं देखना है, ये क्या बन गया अभी ये प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था तो क्या बन गया ये माइनस, इस तरह। तो यहाँ पे साइन को हमें कैंसिल नहीं करना है, बट इंडिकेट करना है यहाँ, ये ब्रैकेट में हम कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे ये 20 के आगे आ गया माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया प्लस वाई, तो दोनों अपोजिट साइन हो गए कैंसिल, माइनस प्लस हमें पता कैंसिल, 2x अभी देखिए माइनस, इस प्लस को नहीं देखना है, 2x माइनस x, तो x, और 10 माइनस 20, ये माइनस यहाँ पे है समझ लीजिए, 10 माइनस 20 कितना आएगा माइनस 10, ये देखिए मैच हो गया। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे हम ये साइन को कैसे चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैसे हो जाता है। ठीक है, तो जो भी साइन यहाँ पे होगी, जो सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें या लोअर इक्वेशन बोल सकते हैं याद रखने के लिए, उसकी साइन चेंज होगी जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, और जैसे माइनस ब्रैकेट ओपन करते माइनस साइन क्या करता है इनके साइन को चेंज कर देता है, तो इस तरह से अभी यहाँ पे याद रखना है। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या करना है, साइन को चेंज करना है, और एडिंग में साइन को चेंज नहीं करना है, क्यों वो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, अगर प्लस होता तो साइन चेंज करते क्या हम लोग, नहीं, तो 2x माइनस वाई ये हो जाता आपका प्लस एक्स, ये हो जाता माइनस वाई। ठीक है, यहाँ प्लस होता तो ये 30 हो जाता, ये देखिए कैंसिल नहीं होता, बट ये बता रहा हूँ साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्टिंग क्यों करते, साइन चेंज करने के लिए, बिकॉज अगर दोनों माइनस है तो कैंसिल होगा नहीं, या दोनों प्लस है तो भी कैंसिल होगा नहीं, और उसे साइन को एक चेंज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ता है। तो पहला आपको याद हो गया रहेगा कि हमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कब करना है। ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हमें क्यों करना है, और करेंगे तो क्या चेंजेस उसमें आएंगे। तो एडिंग करते समय हमें याद रखना है नो साइन चेंज। ठीक है, नो साइन चेंज मतलब जो प्लस माइनस है उसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन क्या करना है, चेंज। ठीक है, साइन कैसा चेंज करना है, प्लस को किस में करना है, माइनस में, और माइनस को किसमें चेंज करना है, प्लस में। बट यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं, प्लस का क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस है तो माइनस का क्या होगा, माइनस होगा। ओके, इसे आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि यही समझ में नहीं आता, अगर ये नहीं समझ में आया तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। ठीक है, लास्ट में कंफ्यूज जाते हैं, प्लस कब हुआ, माइनस कब हुआ, कैसे पता करना है। ठीक है, उसके लिए हम और इजी करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना देते। चलिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x plus y equals to 10 और x minus y equals to 20। चलिए इसे समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो आप ऐसे टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए सर एक छोटा सा
टेबलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे x और x, ये x किसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये x किसका है, क्वेश्चन नंबर 2 का, दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हम और एक बना लेते, ठीक है, अलग से, या आप टेक्स्ट बुक में भी पेंसिल से ड्रॉ करके रख सकते हैं, डाउट हुआ तुरंत आप वहां पे देख सकते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल y के लिए लिया हुआ है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, x और y, या इस क्वेश्चन में x और y है। सपोज कोई क्वेश्चन में आपको m plus n equals to 7, m minus n equals to 6 ऐसा मिला, तो यहाँ पे m और n, तो m और n का काम करेगा, मतलब आप एक को समझिए ये x वाला है और दूसरा क्या है y वाला है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि x y लिया तो हर क्वेश्चन में आपको x y दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या देखना, देखिए पहले ये दोनों को देखिए यहाँ पे, राइट, x यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों प्लस होगा, तो अगर दोनों प्लस होगा सेम साइन है तो कैंसिल होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या प्लस और माइनस है, तो ये देखिए वाई प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो हमें क्या करना है, एडिंग। सब्ट्रैक्टिंग कब करेंगे, जब दो प्लस होगा या दो माइनस होगा। चलिए अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, समझने के लिए लिख दिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे अगर समझते हैं, अगर x प्लस होता और दूसरा माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस होता और ये माइनस होता, ठीक है, ये प्लस होता और ये माइनस होता, या ये माइनस होता ये प्लस होता, ये माइनस होता ये प्लस होता, देखिए दो जो वेरिएबल दो इक्वेशन के x है, राइट, इनके क्या है, अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग, क्या करेंगे हम इसमें, एडिंग, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या करोगे, एडिंग, और एडिंग करेंगे नो साइन चेंज, या लिखो नॉट टू चेंज साइन, नॉट टू चेंज साइन, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको y के साथ भी दिखे, अब देखते देखिए, चलिए प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस हो गया, कभी मान लो आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिला माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो आप क्या करोगे, सेम मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, क्या करना है, एडिंग, और नॉट टू चेंज साइन, तो ये आपको ये टेबल में देखते हैं आपको याद हो जाएगा। बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आप ऐसे करें तो देख देख के आपको आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक्स माइनस 2y equals to 10 है सपोज, और x plus y equals to 20 है, ठीक है, x plus y equals to 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, राइट, मतलब कोफिशिएंट सेम है दिख रहा है, बड़ा मुझे क्या करना है, पहले हम लोग एडिंग को समझते हैं, एडिंग कब करना है, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस और प्लस, माइनस प्लस तो दिख रहा है हम लोग को, वाई देखिए, वाई वेरिएबल्स को हमने देखा, तो पहला, अच्छा ये भी आप दे दीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन इजी गिरेगा, तो हमें पता है कि ऐड वाला ऑप्शन हमारे लिए इजी गिर रहा है, ठीक है। ऐड वाले में क्या करना है, ऐड वाले में साइन नहीं चेंज करना, सब्ट्रैक्ट वाले में क्या करना है, मुझे साइन को चेंज करना, और साइन चेंज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, साइन चेंज करने में कहीं कहीं हम भूल जाते हैं या प्लस माइनस को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन हम लोग लास्ट में रखेंगे, पहले ऐड का ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। तो ऐड के ऑप्शन में हमें देखना है कि इस इक्वेशन में ऐड का ऑप्शन इजी है कि सब्ट्रैक्ट का इजी है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक्स वेरिएबल को देखेंगे सो बोथ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है नहीं, अभी उसे हम अगले केस में देखेंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, और कैसा होना चाहिए एडिंग के लिए, कैसा होना चाहिए, वन प्लस माइनस, प्लस माइनस या माइनस प्लस होना चाहिए, तो ये इसमें दिख नहीं रहा है, तो एडिंग का ऑप्शन इसमें नहीं, इस एक्स वेरिएबल के साथ नहीं दिख रहा है। चलिए वाई के साथ देखते हैं, वाई में हाँ ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, यस ये माइनस प्लस, एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, तो माइनस प्लस दिख रहा है, मतलब एडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एडिंग की पॉसिबिलिटी है, बट साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है
कि जो वेरिएबल हमने चूज किया वाई, ठीक है, उसके साथ जो नंबर्स है कोफिशिएंट बोलते हैं वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, राइट। तो दोनों ये अलग हो गए, आप एडिंग तो करोगे आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे कि माइनस प्लस हो गया, चलो सर ने बोला हम लोग इसको एडिंग कर लेंगे, एडिंग करेंगे आ जाएगा, देखिए साइन चेंज नहीं होगी, तो एक्स एक्स 2x हो गया, ये देखिए माइनस 2y और प्लस y, यहाँ पे माइनस y आएगा, बिगर नंबर है तो माइनस y इधर हो जाएगा 30। फिर से नया क्वेश्चन बना, सॉल्व कहाँ हुआ, कैंसिल नहीं हुआ ना एक भी, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग तो करेंगे लेकिन साथ साथ में इसके कोफिशिएंट को भी सेम करना होगा, यही यहाँ पे आपको सीखना है, इसी में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, ठीक है। तो अगर आपने समझ गया कि एडिंग करना है, अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 1 है, तो इसी में 2 करना होगा। अब इसे 2 करने के लिए, 2y करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पे मिस्टेक कहाँ होती, तो ज्यादा करके बच्चे यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस 2y = 20, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों आप इसमें ही करेंगे, ये रॉन्ग होगा, राइट। इसमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरे जो इक्वेशन के जो पार्ट है लेफ्ट साइड राइट साइड या जितने भी टर्म्स है सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना, बैलेंस करने के लिए। आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इक्वालिटी नहीं मेंशन होगी, मेंटेन नहीं होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से सिर्फ इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, सब में करेंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और हो जाएगा ये 40, ठीक है। और ये इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y हो गया 10। अब इसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, चलिए ऐड कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस डाल दीजिए, ऐड कीजिए कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x = 50, तो x = कितना हो जाएगा 50/3। तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, जो भी नंबर्स मिलेंगे मोस्टली वो कैंसिल हो जाएंगे, सो इजिली आप x की वैल्यू रख के क्या निकाल लेंगे, y का। तो मैं अभी x रख के y नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये कैसे कैंसिल किया हमें, कोफिशिएंट को सेम करके हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, हो सकता है क्वेश्चन आपको फिर ऐसे मिलेगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया x + 3y = 20 और मुझे एडिंग ही करना है, सबट्रैक्टिंग इजी है, यहाँ पे आगे जाके वो पता चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे एडिंग ही करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास एडिंग ही करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2y, क्योंकि एडिंग हो रहा है माइनस प्लस, बट यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है 2 है, मतलब ये 2y और यहाँ 3y, तो इसके पहले वाले केस में यहाँ पे 1 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया, आप यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 बना नहीं सकते, यहाँ पे 3 नहीं बना सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सचेंज ऑफर देखते हैं ना, ये 1 वाला इधर 2 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जो 2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और जो ये 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज इंटरचेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा क्या, देखिए अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, मतलब हमें नंबर को सेम करना है, ठीक है। और ऐसा पता है अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ नहीं करना है, किसमें करना है, सभी टर्म में करना है, मतलब यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3x - 3 × 2 = 6y हो जाएगा 30, तो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी आपके पास है। चलिए अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2 × 3 = 6y, हो जाएगा 40, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपको दिखने लगा सेम दिखा यहाँ पे, यस, अब यहाँ पे हम एडिंग इजली हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/5। अब इसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते, 5 × 5 देखिए 2 आया, 25 × 4 = 20, x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो x की वैल्यू रख के यहाँ पे x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसे भी करके दिखा देता हूँ, चलिए एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये भी एक और आइडिया यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, जैसे x = 14 मिला तो अब x की वैल्यू 14 जो मिली, अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है,
सो देर आर फोर इक्वेशन 1, 2, 3, 4. अब ये x की वैल्यू 14 कौन से इक्वेशन में रखेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा. तो सबसे पहले आप याद रखो कि कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा. ठीक है, x इक्वल्स टू 14 अगर हम यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे या यहाँ पे, कोई भी फोर इक्वेशन में कहीं भी रखेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी. तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस में रखना. अभी आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें इजी कौन सा दिख रहा है, सिंपल कौन सा दिख रहा है जिसमें मैं रख के इजिली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखिए ये दोनों भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसका मतलब आपको फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला सम्स आना चाहिए. तो स्टैंडर्ड 8 में आपने बहुत सारा किया रहेगा, 7 में भी किया रहेगा, तो मैं तो बोलूंगा ज्यादा ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें. वो प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम ये सॉल्व नहीं कर पाते, ज्यादा करके फंस जाते. अब देखिए क्या करेंगे आप, चलिए मैं 1 में रखता हूँ. तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, चेक कर लीजिए. अब x की जगह पे 40 रखना है ना, तो पुट x इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1, आप लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1. चलिए अभी x के प्लेस पे 14 रखते तो हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. अब देखिए जैसे आपने x की वैल्यू 40 रखी, अब ये जो इक्वेशन बन गया वो वन वेरिएबल वाला इक्वेशन बन गया. दो वेरिएबल थे, x गायब हो गया, उसके जगह 14 आ गया, सो वन वेरिएबल. अब वन वेरिएबल के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए. कई बार यहाँ पे आते फिर ये सॉल्व नहीं कर पाते. अब देखिए ये है माइनस 2y, नंबर नंबर के पास जाएगा तो 14 राइट में जाएगा तो प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4. अब देखिए माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं. ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 अपॉन 2, 2 टू 4, तो y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 2. ठीक है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई. अब अगर आप इसमें भी रखते तो भी आंसर आता. देखिए अगर आप यहाँ पे 14 रखते तो क्या होता, 14 प्लस, चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 14 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, तो 3y इक्वल्स टू होता 20 माइनस 14, 3y इक्वल्स टू कितना बचा 6, 20 माइनस 14 6, तो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, 3 टू 6, y की वैल्यू 2 मिली. ये देखिए y की वैल्यू 2 मिली, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी था अपने पास, उसमें भी रखते तो भी y की वैल्यू 2 मिलती. ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि किस में रखेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. किसी में भी रखेंगे तो आपको मिलेगा, बट जो आप पहली वैल्यू निकालेंगे वो राइट होना चाहिए. ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एडिंग वाला हम कैसे करेंगे. अब सब्ट्रैक्टिंग वाले में क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग वाले के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लीजिए, उसमें भी आप लिख लो. और ये कहाँ पे बना लो, आप बेस्ट होगा कि आप टेक्स्ट बुक में बहुत सारे स्पेस रहते हैं जहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है या जहाँ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्पेसेस वहाँ पे रहते हैं, तो आप पेंसिल से वहाँ पे कर सकते हैं. चलिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे लिया मैंने x प्लस 3y इक्वल्स टू, चलिए 20 ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, राइट. अब यहाँ पे देखिए एडिंग का ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एड में क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, राइट, प्लस होना चाहिए और माइनस. बट यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों प्लस है, या तो यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं दोनों माइनस है. एक्स के वेरिएबल को अगर हम लोग देखें, एक्स वेरिएबल को देखें तो दोनों प्लस है, या वाई वाला है, दोनों भी माइनस है, राइट. जैसे सब्ट्रैक्ट के लिए दोनों प्लस या दोनों माइनस होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होगा. तो यहाँ पे हम ऑप्शन बना सकते हैं कैसे, एक्स का दोनों प्लस होगा या दोनों क्या होगा माइनस. x का जो वेरिएबल होंगे उनके जो साइन होंगे दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस हो सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या y का दोनों प्लस हो सकता है या दोनों क्या हो सकता है माइनस. अब ये वाले कंडीशन में, ये वाले क्वेश्चन में जो सम समय दिया है इसमें कौन सा मैच हो रहा है बता सकते हैं, कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला देखिए. ठीक है, दो वाई का जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल होंगे वाई के दोनों क्वेश्चन में. ठीक है, वाई जो वेरिएबल है दोनों माइनस, ये देखिए ये वाला ऑप्शन. ठीक है, x यहाँ पे दोनों प्लस है, तो x को अगर हम लोग देखते तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये वाला, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन साथ में दिख रहे. ठीक है, अब हमें पता है जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग. अब यहाँ पे हमें करना है सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग करना नहीं है. क्यों, क्योंकि दोनों की सेम साइन है,
तो जब भी हम सबट्रैक्टिंग करेंगे क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग, ध्यान रखिए, सबट्रैक्टिंग जब भी करेंगे सो वी हैव टू चेंज द साइन, वहां पे लिख दीजिए वी हैव टू चेंज साइन, साइन को चेंज करना, कौन सी साइन को, प्लस, प्लस है तो क्या चेंज करना है, माइनस, और माइनस है तो क्या चेंज करना है, प्लस, आप पे लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना, यही हमें बोलेंगे साइन चेंज, चेंजिंग द साइन। चलिए अगर अब यहाँ पे देखिए सबट्रैक्टिंग करना तो फिक्स है, राइट, अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल इलिमिनेट होगा, एक्स वाला इलिमिनेट होगा कि वाई वाला होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर मैं लिखूं डायरेक्ट सबट्रैक्टिंग, देखिए जो एक्स है उसके कोफिशिएंट सेम है, वन वन है, तो अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्टिंग करूंगा तो साइन चेंज होगी, मुझे पता है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल हो गया, ये देखिए साइन यहाँ चेंज हुई लेकिन आपके कोफिशिएंट अलग थे इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा। आप देखिए माइनस टू वाई और प्लस थ्री वाई, माइनस टू वाई और प्लस थ्री वाई, ये देखिए माइनस टू वाई और ये माइनस नहीं है अभी प्लस थ्री वाई, समटाइम आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखे हो माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई, आपको क्या दिखेगा माइनस प्लस माइनस, थ्री वाई में टू वाई गया तो वन वाई बचा, वन वाई वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और प्लस नंबर बड़ा है मतलब थ्री वाई बड़ा है तो प्लस प्लस है ये वाई आएगा, तो यहाँ पे वाई आ गया। टेन माइनस ट्वेंटी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेन माइनस ट्वेंटी आपको ऐसे दिखेगा, देखिए यस ट्वेंटी माइनस टेन बिगर नंबर माइनस टेन, हो गया आपका माइनस टेन, वाई की वैल्यू माइनस टेन आ गई, और वाई की वैल्यू माइनस टेन आ गई तो आप यहाँ पे रख के वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। चलो अगर इसी क्वेश्चन को कोई बोले, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और बोले कि आपको सबट्रैक्टिंग मेथड करना है बट आपको फर्स्ट स्टेप में पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की नहीं निकालनी है, पहले हमें वाई की नहीं, एक्स की निकालनी, वाई की नहीं निकालनी, ठीक है, तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे फिर आप सबट्रैक्टिंग करोगे तो एक्स कैंसिल होगा, एक्स बचेगा नहीं, अगर मुझे वाई को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से देखिए यहाँ के वेरिएबल्स जो है वाई उनके कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ टू है और यहाँ थ्री है, उसे सेम करना होगा, ठीक है, तो टू है तो यहाँ पे थ्री से इंटू करेंगे, सॉरी हाँ ये जो टू है यहाँ पे आ जाएगा इंटरचेंज।